हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल डिलीशियस फूड बाय सुचित्रा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चोको पैनकेक रेसिपी। आप लोग इसका लुक देख ही रहे हो, यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट भी है, अंदर से चोको चिप्स जैसी, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो आप लोग भी इस तरीके से पैनकेक एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अभी तीन ही बनाई हूँ, तो मैं इसका फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक कप जैसा मैदा लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप चीनी। तो आधा कप चीनी हमें इसमें ऐड कर देना है। अगर चम्मच के हिसाब से लेंगे तो बड़ा 5 स्पून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और ऐड करेंगे 1 एग। तो अंडा का मैं पूरा ही दे रही हूँ। और देना है रूम टेम्परेचर में रखा हुआ 1 कप मिल्क। मैं यहाँ पे 1 कटोरी में मिल्क लिया हूँ, इसको भी ऐड कर देना है और अच्छे से इसको फेंटना है। तो इसका एक मिक्सचर बना लेंगे अच्छे से मिला के। ये देखिए, मिक्सचर रेडी होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 स्पून छोटा चम्मच का, और बेकिंग पाउडर। ये इसमें दोनों ही चाहिए, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये फ्लॉपी बनती हैं। तो ये दोनों ही छोटा 1 चम्मच करके देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी डेयरी मिल्क। यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क का यूज़ किया है। आप चाहे तो चोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं ये थोड़ा नए तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं ये देखिए घिस के जो हमारी डेयरी मिल्क चॉकलेट है घर पे रखा हुआ, वही मैं दे रही हूँ, इसमें अलग टेस्ट आती है। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसमें थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी डाल देना है, तो चोको पैनकेक बनने के बाद अंदर से मेल्टेड चॉकलेट भी निकलती है, तो और भी मज़ा आती है पैनकेक की। तीन को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और थोड़ा सा ऑयल देना है इसमें, एकदम थोड़ा सा 1/2 चम्मच, और वेनिला एसेंस मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून। ये देखिए कितना अच्छा स्मूदी मिक्सचर बनके रेडी हुआ है। अब हमें फ्राइंग पैन पे कुछ नहीं करना है, ये मिक्सचर डालना है, ये अपने आप ही बनके रेडी हो जाएगी। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। ये देखिए अपने आप ही इसके अंदर कितना छेद आ रही है, इसका मतलब ये परफेक्ट बना है। और ये पैनकेक खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। न्यू फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसको एक साइड होने के बाद और एक साइड में पलट देंगे। आप लोग अगर चॉकलेट पैनकेक नहीं खाना चाहते हो तो चॉकलेट छोड़ के सेम मिक्सचर बना के ओनली पैनकेक भी बना सकते हो। तो ये मेरा एक रेडी हो गई है। ये देखिए मेल्टेड चॉकलेट भी निकल रही है साइड से, आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक बटर डाल दिया छोटा सा टुकड़ा, और ऊपर से थोड़ा हनी भी डाल दिया। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, और एक भी बन के रेडी है।
तो इसके ऊपर और एक सजा देंगे। ये देखिए मेल्टेड चॉकलेट कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए और एक मैंने डाल दिया, इसके ऊपर से भी मैं एक बटर का टुकड़ा और थोड़ा सा हनी दे दूँगी। तो ये सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और न्यू फ्रेंड, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं न्यू न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से मिलती रहती हूँ।